इस वीडियो लेटर स्टेक्स मोर क्वेश्चन नंबर सिक्स इफ ए एंड बी आर एक बी इसमें ए और बीट एंगल्स दिया हुआ है इन ए ट्रा एंगल एक ही ट्राइंगल में ए और बी एक हुआ है सच डेट कॉस एक्वल टू कॉस बी देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे देखिएयर गिवेन अ ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी इसमें हमको एंगल सी राइट एंगल लेना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला ए और बी एक्यूट एंगल लेना है तो बचेगा क्या इसमें एंगल सी दैट मीन्स कि डेफिनेटली सी राइट एंगल होगा सो इन दिस ट्रा एंगल यर एंगल सी इक्ल टू नाइन्टी डिग्री इट इज़ गिवेन डायरेक्टली नहीं दिया हुआ बट इन डायरेक्ट वे पर दिया हुआ है सो एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ओके इट इज गिवेन सो नाओ यूजिंग टनोमेट्रिक रेशियोज कॉस ए का फार्मूला कॉस ए होता है कॉस होता है बी बाई एच तो कॉस ए जब इस एंगल को हम लोग लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा ए सी और हाइपर न्यूज़ तो क्लियरली ए ही रहेगा तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी बी बाई एच फार्मूला होता है कॉस का बी बाई एच तो बेस हो गया ए सी एंड हाइपर न्यूज हो गया ए बी सिमिलरली कॉस बी जब एंगल बी ले लेंगे तो इस बार बेस क्या हो जाएगा बी सी तो बी सी बाई ए बी फार्मूला यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच थीटा क्या है कोई एंगल है यहाँ पे सो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच ये फार्मूला होता है और दोनों ही रेशियो में डिनोमिनेटर सेम हो गया ए बी ए बी सेम हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज़ वी हैव ए सी इक्वल टू बी सी दिस इम्पलाइज ए सी इक्वल टू बी सी बिकॉज ए बी कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है यहाँ पे क्या मिला है ए सी और बी सी ए सी और बी सी इक्वल साइड हो गया तो एक आसोसलोस ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है कि जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो ए सी ए सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा बी और बी सी का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा ए दैट इज़ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल ठीक है यहाँ पे दो साइड इक्वल मिल गया है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे बाय दिस प्रॉपर्टी जोमेट्री की प्रॉपर्टी है सो दिस इज द सल्यूशन छोटा सोल्यूशन इसका है इसी टाइप का एक साल्व एग्जाम्पल दिया उसको भी आपको देखना पड़ेगा वो थोड़ा सा लेंदी है बट ट्राई टू सॉल्व साल्व एग्जाम्पल ऑल्सो ओके नाउ नाव लेट सम मोर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर लेट क्वेश्चन नंबर एट सेवन भी इसी तरह का एट भी इसमें से हम लोग एक तो देख रहे हैं हीयर थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर चेक वेदर वन माइनस टैन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट ये बोला है कि अगर हमको कॉट का वैल्यू दिया हुआ है तो इसको प्रूव करना है कि ये एल एच एस और आर एच एस इक्वल होगा तो सबसे पहले जो चीज़ दिया पहले इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर हीयर सी थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर डैट इज cot ए इक्वल टू फोर बाई थ्री कॉट ए का वैल्यू रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में कॉट ए इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री ये हमको दिया हुआ है और cot का फार्मूला होता है बी बाई पी बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज फोर बाई थ्री ये कॉट का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है बेस बाई परपेंडिकुलर और एंगल क्या है ए ये एंगल ए तो इसमें बेस क्या हो जाएगा ए बी और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी सी ओके सो हियर ए बी बाई बी सी इक्वल टू फोर बाई थ्री बी बाई पी ए बी बाई ए बी सी ये फार्मूला हो गया और ये अकॉर्डिंग टू डाइग्राम उसका साइड हो गया इक्वल टू फोर बाई थ्री सो इन दिस रेशियो लेट ए बी इक्वल टू फोर के एंड बी सी इक्वल टू थ्री के जब बोले ना जब रेशियो के फॉर्म में दिया रहता है तो हम लोग वहाँ पर के सब्सिट्यूट कर लेते हैं सपोज कर लेते हैं कोई ना कोई कॉन्स्टेंट सो ए बी इक्वल टू फोर के एंड बी सी इक्वल टू थ्री के फोर के एंड थ्री के हमको ए बी और बी सी का लेंथ मिल गया इन टर्म्स ऑफ के एग्जैक्ट नहीं मिला है बट के के टर्म में रेशियो के फॉर्म में दिया है सो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथोग सी सो इन दिस ट्राइंगल ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस पाइथोग बी का वैल्यू फोर के स्क्वायर थ्री के स्क्वायर सिक्सटीन के स्क्वायर नाइन के स्क्वायर ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर दैट इज ए सी इक्वल टू फाइव के सो देआर फोर जब हमको तीनों साइड मिल गया फाइव के इनोसाइड साइड मिल गया तो अब हमको इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए टेन का वैल्यू चाहिए लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड में चाहिए कॉस ए और साइन ए का तो पहले तीनों को यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं ये यह टेन ए इक्वल टू पी बाई बी टेन ए का फार्मूला पी बाई बी परपेंडिकुलर बी सी बाई ए बी डेट इज़ थ्री के बाई फोर के इक्वल टू थ्री बाई फोर के के कट जाता है यहाँ पर पहले इसको लिखेंगे बाद में फिर कट जाएगा थ्री बाई फोर साइन ए साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच पी परपेंडिकुलर बी सी बाई ए सी दैट इज़ थ्री के बाई फाइव के और थ्री बाई फाइव एंड कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच कॉस का ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए रली ए बी बाई ए सी दैट इज़ फोर के बाई फाइव के इक्वल टू फोर बाई फाइव अब ये तीनों वैल्यू मिल गया अब हम इसमें प्रूव करेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग नाउ सिडो लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस टेन स्क्वायर वाई वन प्लस टेन स्क्वायर टेन ए का वैल्यू टेन ए का वैल्यू कितना मिला था यहाँ से थ्री बाई फोर तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह टेन का वैल्यू थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन बाई सिक्सटीन दोनों जगह और एलसीएम सी सिक्सटीन ऊपर भी एलसीएम नीचे भी सिक्सटीन एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा बाद में सिक्सटीन सिक्सटीन तो बचेगा क्या सिक्सटीन बन जाए सिक्सटीन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन प्लस नाइन दैट इज सेवन बाई ट्वेंटी फाइव तो ये एल एच एस का वैल्यू आ गया सेवन बाई ट्वेंटी फाइव इसी तरह से हम लोग आर एच एस का वैल्यू फाइन कर लेंगे आर एच एस में हमको फाइन करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर का वैल्यू फोर बाई फाइव दिया है मिल गया है साइन थ्री बाई फाइव और इसका स्क्वायरिंग कर देंगे सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव फोर फोर या सिक्सटीन थ्री बाई फाइव नाइन बाई ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव इसमें एलसीएम हो जाएगा ट्वेंटी फाइव दोनों में डिनोमिनेटर से एलसीएम हो जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन दैट इज सेवन सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन बाई ट्वेंटी फाइव सो एल एच एस का भी वैल्यू सेवन बाई ट्वेंटी फाइव एंड आर एच एस का भी वैल्यू ट्वेंटी फाइव बाई सेवन बाई ट्वेंटी फाइव सो हैंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस तो ये प्रूफ हो गया अब इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे सिमिलरली आप इसमें क्वेश्चन नंबर नाइन भी सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे इसमें ओके okay.